कर्नाटक के लिए खुला कांग्रेस का पिटारा, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस ने कर्नाटक के लोगों से किए चुनावी वादे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 गारंटीज को दोहराया, गृह ज्योति, गृहलक्ष्मी, अन्नभाग्य, युवा निधि और शक्ति। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना और अन्नभाग्य योजना में 10 किलो चावल की गारंटी दी। कांग्रेस ने गृह ज्योति योजना के माध्यम से 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया, साथ ही दूध पर सब्सिडी को 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए करने की घोषणा की। महिलाओं के अलावा किसानों के लिए कांग्रेस ने घोषणा की, कांग्रेस ने फसल नुकसान की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए, साथ ही अगले 5 सालों में किसान कल्याण के लिए 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। हिमंता ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया, कहा कांग्रेस ने पीएफआई के लोगों पर केस वापस लिए, केरल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हिमंता बिस्वा सरमा का पलटवार, हिमंता ने कहा पहले कांग्रेस ने पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगाया। हिमंता बिस्वा बोले कांग्रेस के लोग बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं, पूरे देश में एनआरसी की जरूरत है, बीजेपी समान नागरिक संहिता के लिए प्रतिबद्ध। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, आज पीएम मोदी के चित्रदुर्ग, विजयनगर, सिंधनूर और कलबुर्गी में जनसभाएं करने का कार्यक्रम। पीएम मोदी के चित्रदुर्ग के अलावा दोपहर 1 बजे होस्पेट में प्रचार करेंगे, दोपहर 3 बजे सिंधनूर में जनसभा होगी और आखिर में शाम 5 बजे कलबुर्गी में रोड शो भी करेंगे। चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार जारी, आज एक बार फिर से पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी कर्नाटक में प्रचार की कमान संभालेंगे। प्रियंका गांधी की मांड्या में जनसभा शाम 4 बजे, चिंतामणि में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी, दूसरा रोड शो शाम 5:30 बजे हुसाकोटे में होगा, तीसरा रोड शो शाम 7:15 बजे सीवी रमन नगर में प्रस्तावित है। तिहाड़ जेल में गैंगवार, जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या, टिल्लू ताजपुरिया की गोगी गैंग से लेकर लॉरेंस गैंग तक दुश्मनी थी। टिल्लू ताजपुरिया पर हाई सिक्योरिटी जेल में योगेश टुंडा और उसके साथियों ने रॉड से हमला किया, सुबह 6:30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया पर टिल्लू की मौत हो गई। पंजाब में आज से सुबह 7:30 बजे दफ्तर खुलेंगे, बिजली बचाने के लिए सीएम मान का फैसला, सीएम के निर्देश के बाद आज से सभी सरकारी कार्यालय सुबह 7:30 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे। सुबह 7:30 बजे सीएम मान अपने दफ्तर पहुंचे, सीएम मान ने कहा पूरे देश में ये पहली बार हो रहा है, दफ्तर जल्दी खुलने से कर्मचारियों के साथ साथ लोगों को भी फायदा। सीएम मान ने कहा सरकारी ऑफिस के बिजली बिल में कमी होगी, 350 मेगावाट पर डे के हिसाब से बचेगी, करोड़ों रुपए की बचत होगी। ऑफिस का समय बदलते ही पटियाला की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी 7:30 बजे ऑफिस पहुंची, डिप्टी कमिश्नर ने कर्मचारियों से अपील की लोगों के लिए हमें हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। 6 मई को जालंधर दौरे पर अरविंद केजरीवाल, 2 दिन तक जालंधर में करेंगे केजरीवाल प्रचार, सीएम मान के साथ रोड शो और रैली करेंगे अरविंद। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा, कहा सत्ता कमाने के बाद एनडीए के लोग संतुलन खो बैठे हैं, सत्ता खोने के बाद मायूस और परेशान है। फडणवीस ने कहा एमवीए ने अपने घोषणा पत्र में 1 रुपए के क्लिनिक की घोषणा भी की थी लेकिन 2.5 साल में उन्होंने एक भी क्लिनिक शुरू नहीं किया। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से मिली डीएम कृष्णैया के परिवार को उम्मीद, डीएम की पत्नी ने कहा मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कृष्णैया की पत्नी उमा देवी बोली रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, ये एक अच्छा संकेत है, कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति दे दी है, ऐसे में लोगों को ऐसे ही जेल हो जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में रह रहे पाकिस्तान के शरणार्थियों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जमीन के मालिकाना हक का ऐलान किया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा पाकिस्तानी शरणार्थियों को अनुच्छेद 370 और 35A ने राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया पर केंद्र के निर्देशों पर प्रशासन द्वारा हक सुनिश्चित किया जाएगा। काफी कठिनाइयों में उन्होंने जीवन जिया है, 5 अगस्त 2019 के बाद उन्हें वास्तविक रूप से आज़ादी मिली, मालिकाना हक उन्हें मिले इससे हमारा प्रशासन सहमत है, आगे कैसे इसको कानूनी जमा पहनाया जा सकता है ये हम लोग शीघ्र कराएंगे। रात के अंधेरे में पटना की सड़कों पर जायजा लेने घर से बाहर निकले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कई इलाकों पर औचक निरीक्षण किया। पटना में 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में हुए जल जमाव की समस्या देखने पहुंचे तेजस्वी यादव ने प्रशासन को सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तेजस्वी ने पटना के दुकानदारों से भी हालचाल जाना और उनकी समस्याएं सुनी, तेजस्वी ने लोगों से राय मांगी, इस दौरान उप मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने वाले कई लोगों की भीड़ लग गई। मुंबई में पीएम मोदी, अमित शाह और मौजूदा राज्य सरकार पर बरसे उद्धव ठाकरे, बीएमसी विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ कराने की चुनौती दी। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में ये सरकार गिर जाएगी, आदित्य ने मुंबई के महत्व करने की लगातार कोशिश हो रही है।
महागाड़ी की रैली को एनसीपी नेता अजीत पवार ने भी संबोधित किया। बीजेपी ने जाने या हाथ मिलाने की संभावना को सिरे से खारिज किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने महागाड़ी रैली और उद्धव ठाकरे पर चुटकी ली। सीएम शिंदे ने कहा कि पोस्टर लगाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। महागाड़ी पर तंज कसते हुए कहा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का 10वें दिन भी प्रदर्शन जारी। पहलवानों ने कहा एफआईआर दर्ज भी, पर कब होगी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण से जल्द हो सकती है पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों का बयान दिया। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को किसानों का साथ मिला। आज किसान नेता राकेश टिकैत भी धरने में शामिल होने के लिए जंतर मंतर जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उन्होंने की और उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 50वें दिन के काउंटडाउन के उपलक्ष्य में आयोजित योग महोत्सव में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में नीति आयोग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और कार्यों की जानकारी हासिल की। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ का एक्शन, बाड़मेर बाल पोस्ट के पास दो पाकिस्तानी घुसपैठिए ठेर किए गए। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तारबंदी पार कर रहे थे दो पाकिस्तानी घुसपैठिए, वार्निंग के बावजूद पीछे नहीं हटे। छतरपुर के नौगांव के सनसनीखेज डकैती का खुलासा, छात्रों ने यूट्यूब पर सीखा डकैती का तरीका। रात को व्यापारी के घर में घुसकर 1 करोड़ की डकैती कर पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। पॉलिटेक्निक छात्र घर में दाखिल हुए और पति पत्नी और उनकी बेटी को बंधक बनाकर बंदूक की नोट पर लूटपाट की। श्रीराम जन्मभूमि में तेजी से काम जारी है। ट्रस्ट ने रामलला के मंदिर की छत और नकाशी की तस्वीरें जारी की। जनवरी 2024 तक मंदिर के तैयार होने का दावा। मदुरई की मीनाक्षी अम्मान मंदिर की हाथी पार्वती ने चिथिरई उत्सव के 9वें दिन मनाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में भीड़ दिखी। मदुरई की मीनाक्षी मंदिर में 9 दिवसीय चिथिरई उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर भक्तों द्वारा जुलूस भी निकाला गया। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दे सकती है बड़ा तोहफा। सरकार एक बार फिर डीए में 4% की बढ़ोतरी करेगी। 30 अप्रैल को घरेलू हवाई यात्रा करने वालों की संख्या ने बनाया नया कीर्तिमान। 4,56,082 पैसेंजर्स ने भरी उड़ान। पीएम उज्ज्वला योजना के 7 साल पूरे हुए। 1 फरवरी 2023 तक पीएम मोदी की योजना के कुल 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी लाभ ले गए। जीएसटी कलेक्शन में बड़ा उछाल। अप्रैल 2023 में 1,87 करोड़ जीएसटी कलेक्शन। भारत का कोयला उत्पादन के मामले में नया रिकॉर्ड। अप्रैल 2023 में 9% बढ़कर मिलियन टन हुआ। आईपीएल के 43वें मुकाबले में बेंगलुरु ने लखनऊ को 18 रनों से हरा दिया। लो स्कोरिंग मैच में लखनऊ सुपर जॉइंट्स को मिला था 127 रनों का लक्ष्य, लेकिन एलएसए 108 रनों पर ही सिमट गया। बेंगलोर लखनऊ मैच के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच भी तीखी बहसबाजी। मैदान पर भिड़े दोनों दिग्गजों को बाकी खिलाड़ियों और अधिकारियों ने बीच बचाव कर हटाया। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए अमित मिश्रा। 40 साल के अमित मिश्रा ने सोमवार को बेंगलुरु के खिलाफ 2 विकेट लिए। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कप्तान केएल राहुल दूसरे ओवर में हुए मैच से बाहर। राहुल को हैमस्ट्रिंग के खिंचाव की वजह से मैदान से बाहर जाना पड़ा। एशिया क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप रद्द होने की खबरों का खंडन किया। एसीसी ने पाकिस्तान के बिना दुबई में टूर्नामेंट होने की अटकलों को भी अफवाह बताया। तुर्की ने सीरिया में आईएसआईएस के नेता अबू हुसैन अल कुरैशी का उसको मार गिराया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने रविवार को इसका ऐलान किया। ब्रिटेन में भारतीय मूल की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल को गाली और धमकी देने के आरोप में शख्स गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी को 5 महीने की सजा सुनाई। रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो ने अपनी शादी के बाद हिंदू मंदिर कटासराज में दर्शन किए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दुनिया के प्राचीनतम हिंदू मंदिरों में एक हिंगलाज माता उत्सव शुरू। कोरोना की वजह से 2 साल बाद 3 दिवसीय उत्सव का हो रहा आयोजन। पाकिस्तान के पेशावर में बॉलीवुड के शोमैन रहे राज कपूर के पैतृक हवेली के मालिकाना हक पर बड़ा फैसला। कोर्ट ने खारिज की राज कपूर की हवेली पर मालिकाना हक की मांग वाली याचिका। चीन ने नेपाल में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए दी 80 अरब रुपए की आर्थिक मदद। नेपाल में बुनियादी संरचना के विकास के लिए चीन आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है।
बॉडीगार्ड की शादी में पहुंचे एक्टर कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन ने बॉडीगार्ड सचिन को बधाई दी। कार्तिक आर्यन की कपल के साथ फोटो भी खिंचवाई। हॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स मैट गाला 2023 के इवेंट में शामिल हुए। इवेंट में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आएंगी।